पे चलना है। तो क्या हुआ मिस्टर कपूर, हम एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे ना? आई थिंक ये जो कुछ भी झटका हमें लगा है शायद हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुआ हो। लेकिन पीहू का क्या, वो बेचारी अभी अभी तो एडजस्ट हुई है, अब उसके पापा की वजह से फिर से उसको शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है। नया स्कूल, नए फ्रेंड्स। इट्स ओके मिस्टर कपूर, हम हैं ना, हम दोनों मिलके संभाल लेंगे पीहू को, एंड आई एम श्योर वो जल्दी एडजस्ट भी कर लेगी। पता है इतने दिनों से मैं यही सोच रही थी कि कहीं हम पीहू को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट तो नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसे रियलिटी से दूर रख रहे हैं। आई थिंक बच्चों के लिए सच्चाई को समझना और एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है मिस्टर कपूर, इसलिए बेटर है कि पीहू इस चीज को देखे, समझे और जाने कि ये बदलाव हो रहा है। कई बार ना जो सीख हम अपने घर में या स्कूल में बच्चों को नहीं दे पाते ना, वो जिंदगी दे देती है, एंड आई थिंक वो सीख भी जरूरी है मिस्टर कपूर। लेकिन प्रिया कौन बताएगा उसे, कैसे बताएगा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बताएंगे उसे, आप बात करेंगे उसे, आप उसके पापा हैं, और फिर आप उससे कोई झूठ बोलने थोड़ी जा रहे हैं। जो जैसा है वैसा उसे बताने जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप अपनी बेटी को सब कुछ सच सच बताइए, वो सब समझ जाएगी मिस्टर कपूर, सच में। निराशा की सी, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, समझ की सी मिस्टर कपूर, आई एम श्योर पीहू समझ जाएगी अगर हम उससे बात करेंगे तो। वैसे भी वो अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा समझदार है, ज्यादा मैच्योर्ड है। बट मैं उसको ऐसी लाइफ नहीं देना चाहता यार, गरीबी की, लाचारी की, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड फॉर माय डॉटर। मिस्टर कपूर हम अपनी मर्जी से तो ये सब नहीं देखना चाहते ना, लेकिन अब हमारे साथ हो रहा है तो हमें इसे जीना है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और पीहू भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जिससे हम गुजरेंगे उसे गुजरना होगा। बट ट्रस्ट मी, आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह कमजोर नहीं है। मैं आपसे कह रही हूं ना, दुबई में वो मेरी हिम्मत थी। मिस्टर कपूर हम उससे बात करेंगे, समझाएंगे, इट विल ऑल बी फाइन। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तू अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं करता यार? यार अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, और आयशा ने मेरे अकाउंट और कंपनी के सारे शेयर्स फ्रीज कर दिए। अरे तू ई कॉमर्स ट्राई करना यार, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्टेक्ट चाहिए, नथिंग एल्स। और उसके बाद तेरी मेहनत और तेरी लगन, शुरुआत में थोड़ा बहुत होगा लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रॉफिट हो जाएगा। बट मुझे ई कॉमर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है यार। अरे वो तू टेंशन मत ले, आई विल लेट यू नो। रोज हजारों प्रोडक्ट खरीदे और बेचे जाते हैं, आज के वक्त ई कॉमर्स बहुत बड़ा बिजनेस है यार। लोग धीरे धीरे इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, उनको पता चलता है कि घर बैठे बैठे प्रोडक्ट खरीदना कितना आसान है, कितना प्रॉफिटेबल है। तू शुरू तो करके देख यार, फिर तो ट्रेनिंग भी होती है, शुरू शुरू में तो तुझे वहाँ पे सब लोग सपोर्ट भी करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा लगता है। अगर तू माइंड ना करे तो तेरी तरफ से मैं अपना पैसा लगा सकता हूँ, सोच ले। ठीक है, आई ट्राई। पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ पापा बोलो ना। हम वापस मुंबई जाने वाले हैं। पापा अब यहाँ काम नहीं करने वाले, मुंबई में काम करने वाले।
पापा आप हमको छोड़ के तो नहीं जाने वाले ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पापा आपको कभी छोड़ के नहीं जाने वाले। पापा, पीहू, मम्मा हम तीनों बॉम्बे वापस जाने वाले। ओके पापा, मम्मा और पापा आप दोनों मेरे साथ एक साथ हो तो कोई बात नहीं। वहाँ पर आपको नया स्कूल फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? पापा अगर आप दोनों मेरे साथ हो ना तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी नहीं बचा है प्रिया, सब कुछ खत्म हो गया है। कोई सेविंग्स नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, खुद का बिजनेस भी अगर शुरू करना चाहूंगा तो कोई लोन भी नहीं देगा मुझे। बॉम्बे जाके मैं करूंगा क्या यार? लाखों लोग नौकरी करते हैं मिस्टर कपूर, हम लोग भी नौकरी कर लेंगे, व्हाट्स द बिग डील? ये मैंने क्या कर दिया तुम दोनों के साथ यार? दिस इज नॉट राइट। ये कैसी जिंदगी जी रहे हो? तो क्या खूबसूरत जिंदगी ये दिया है आपने मुझे और पीहू को, ब्यूटीफुल लाइफ। ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे से नहीं होते मिस्टर कपूर, हमारा प्यार हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और एक दूसरे का साथ हमारी सेविंग। मिस्टर कपूर, जब हमारी सबसे बड़ी तकलीफ में हमारे पास किसी का साथ होता है ना, तो फिर वो तकलीफ तकलीफ नहीं रहती, वो हमारी ज़िंदगी का वो दौर बन जाता है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। इस वक्त हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, ट्रस्ट मी। ज़िंदगी में आगे जाकर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो इन दिनों को बहुत याद करेंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज हम एक दूसरे के साथ हैं। आ गए? हाँ भाई, आज तो सैर का मजा ही आ गया। पार्क के बाहर ही जूस वाला मिल गया, उसके पास हर तरह के जूस थे, और ये चुकंदर का तो बहुत ही बढ़िया। बीजी आपके लिए लाई माँ। थैंक यू बच्चे। क्या बात है बीजी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? गोलू की ना, दो दिन से कोई खबर नहीं, कोई फोन नहीं, मुझे बहुत चिंता लग रही है। वहां पे सब ठीक तो होगा ना? दादी जी आप चिंता मत कीजिए, वहाँ सब ठीक होंगे। हाँ। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। दादी आप क्यों चिंता कर रही हैं? भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बिजी होंगे, वो इतना बड़ा काम है, आई एम श्योर उनका पूरा वक्त उसी में जा रहा होगा। मैंने भी कल फोन लगाने की कोशिश की थी लेकिन फोन लगा ही नहीं, मुझे लगा कनेक्शन में कोई गड़बड़। नताशा सही कह रही है, राम बिजी होंगे ना अपने काम में। सब चंगा हुए बस, यही मैं चाहती है। अरे बीजी आप खामा खाम परेशान हो रही हैं, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है ना तो हम लोग प्रिया को फोन कर लेते हैं, सबको तसल्ली हो जाएगी। ठीक है? बताओ ना कहाँ पहुँचे हो यार, ये कौन सा रास्ता है जो इतना टाइम लग रहा है? बस पहुँच गए यार, फ्लाइट को सीधा बिल्डिंग के छत पे तो लैंड करवाया मैंने। मेहरबानी, प्लीज बताओ ना यार कौन से रास्ते पे, बोलो ना। अरे बाबा लिफ्ट में आ रहे हैं। आई डोंट ट्रस्ट यू। अच्छा देखो, जब तक तुम लोग घर नहीं पहुँचते ना तुम फोन नहीं रख सकते। ओके ठीक है, तो फिर वेट करो। तुम्हारा भी नहीं। Welcome to Mumbai.
आ रहे हैं बाकी का सामान। अरे कम कम कम, कब से वेट कर रही हो तुम लोग का पता है? थक गए? इतनी जल्दी थक गए आप? I'm excited to see you. नहीं मैं यहाँ पे। अरे बाबा ठीक हूँ। अच्छा अगर अब आपकी परमिशन हो तो मैं फोन काट दूँ? तुम भी ना, परमिशन की क्या जरूरत है? फोन तो काट ही सकते हो। अरे अभी अभी तो तुमने फोन पे कहा था कि खबरदार जो मेरा फोन रखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुमने कहा था ना, अब बीवी से तो डरना पड़ता है ना, राइट प्रिया? अब अगर तुम्हारा मिलाप हो गया हो तो पति से भी कुछ प्यार व्यार जताओगी या नहीं? वेलकम होम बेबी, आई मिस यू। एंड पता है तुम लोगों को हमने कितना मिस किया है? हाँ, हम तीनों ने तो तुम लोगों को मिस ही नहीं किया। वेलकम बैक टू मुंबई फैडी। अच्छा बातें वादे बहुत हो गई भाई, चाय वाय पिला दो कुछ। हाँ ऑफ कोर्स, अदरक वाली चाय सबके लिए। नहीं तुम कॉफी पी रहे हो अभी तक या प्रिया ने आदत बदल दी? अरे प्रिया ने तो मुझे पूरा का पूरा बदल दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय बिल्कुल चलो। सुपर। कहाँ गई है मुझे? वाह जी, आज तो परी हमारे कार में उतर आई है। हा? क्या मामा जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ओ यार मामा जी मत बोलना, वो स्पाइडरमैन बोल, सुपरमैन बोल, चाइनी मैन बोल, वो कुछ भी बोल यार, मामा जी मत बोलना। यार सो फनी। ओ फनी नहीं यार, मैं तो बड़ा सीरियस हूँ तेरे को लेके। तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, हेल्प। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मेरी हेल्प करने के लिए ना तुझे मेरे बेडरूम में आना पड़ेगा। Naughty baby. कैसी बातें कर रहे हैं आप? Naughty boy. नहीं जी, मैं तुम्हारा जेंटलमैन हूँ। ओ कम 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 कम। ओ बता ना कौन सी टाई पहनूं? वेट वेट बताती हूँ। ये वाली। ये बहुत ब्राइट हो गई। ये मैच नहीं कर रही मेरे सूट के साथ यार। मेरे कपड़ों से कर रही है। वाह वे। अब मैं बांध दूँ? हाँ। ओके। ओए बस तू जिंदगी भर मेरे को टाई बांधती रहे। ललित, ललित। जी मैडम। सौदामिनी कहाँ है? जी मैडम वो तो मामा जी के साथ है, उनके कमरे में। मामा जी के साथ? ठीक है अपना काम करो। सौदामिनी ये क्या हो रहा है? ओ यार वो फैशन की टिप्पणी ले रहा था, वो तुझे सलाह देती है ना ड्रेसेस की, जूतों की। मैंने कहा मैं भी टिप ले लूं। क्यों भाई बांध बांध। मामा जी ये कोई स्टाइलिस्ट नहीं है, मेरी फ्रेंड है, सो स्टॉप इट। ओके भाई मेरी भी फ्रेंड है, कौन सी दुश्मन है मेरी? हाँ क्यों जी, फ्रेंड हो ना। हाँ जी हो गया, चले अब। बाय सुपरमैन। बाय परी मनी। प्यार तो वो होता है बंदा कुछ भी पहना दे बंदा पहन लेता है। देख तू किसी भी तरह की टेंशन ना, मेरे को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए ना, मेरे पास सेविंग्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तेरे से पैसे नहीं लेने वाला हूँ तू जानता है। अरे अगर आज मुझे तेरी हेल्प की जरूरत चाहिए होती तो नहीं करता क्या? और कोई चैरिटी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं दे रहा हूँ तेरे को, जब तेरे पास पैसे आ जाए तो वापिस कर देना। विक्रम अपनी जरूरतों के कॉस्ट पर किसी को मदद देना बेवकूफी होती है। तेरे तीन बच्चे हैं यार, you have a lot of expenses, those are your responsibilities, वो सब कैसे पूरे करेगा तू? हाँ मैं को मना कर रहा हूँ यार, जब वक्त आएगा तो वो भी जिम्मेदारी निभाएंगे ना। लाल को MBA करना है, okay, it's gonna cost a lot of money. सैमी को फिल्म स्कूल जाना है, भूल गया, यूनिवर्सिटी भेजना होगा। How you gonna afford all this यार? So, अरे बच्चों की जरूरतें पूरी होती रहेंगी। And तुम लोग हमारी फैमिली नहीं हो क्या? इस वक्त तुम्हारी जरूरत बच्चों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे तेरी सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन देम। तू मेरी प्रॉब्लम्स अपने सर पर मत ले यार। ओए तेरी मेरी क्या कर रहा है यार, तेरी प्रॉब्लम्स मेरी, मेरी प्रॉब्लम्स तेरी। फ्रेंडशिप में तेरा मेरा कब से आ गया?
फ्रेंडशिप में लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए यार, अदरवाइज फ्रेंडशिप ऑलवेज गेट्स अफेक्टेड। तू मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है यार, आई कांट जेपर्डाइज दिस। और फिर मैं तुझ पर लायबिलिटी नहीं बनना चाहता यार। बकवास मत करो, तुम दोनों हमारे लिए कभी भी लायबिलिटी नहीं हो सकते। अरे वो मतलब नहीं था, आई मीन आई नो तुम दोनों का साथ हमारे लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन फिर भी नेहा अपनी लड़ाई ना इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है। तुम दोनों का सपोर्ट है ये किसी भी पैसे की मदद से ना कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राम, मैं ऐसे भी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना, बता मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, लेट मी नो। तू मुझे जॉब दिला सकता है? जॉब करेगा? हाँ, वैसे कुछ वक्त के लिए जॉब करना बुरा ऑप्शन नहीं है यार, ये काम तो मैं पक्का कर सकता हूँ। अच्छा देख, तू कुछ एक दो कॉल्स करने, फटाफट वो कॉल्स करके आता हूँ, फिर आराम से बार बात करेंगे। ओके थैंक्स। नेहा, यार एक अजीब सा मॉरल संकट आ गया है। राम और प्रिया के घर वालों ने बोला है कि उनकी सिचुएशन के बारे में हम राम और प्रिया को कुछ ना बताएं। अब राम भी आके यही बात बोल रहे हैं कि राम और प्रिया की सिचुएशन के बारे में हम उनके घर वालों को कुछ ना बताएं। तो दोनों एक जैसी बात करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे यार? सब इट्स स्टूपिड, लेकिन जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा करना तो पड़ेगा ना। अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा यार? इस वक्त हमें उन्हें सपोर्ट करना है, हमारे अलावा उनका है ही कौन। नो बट यू नो एज वी डिस्कस, मैंने राम से बात की कि अगर उसे बिजनेस दोबारा शुरू करना है तो हमारी कुछ सेविंग्स हैं वो कर सकते हैं। माना कहाँ मान, ये प्रिया भी ना बिल्कुल मान नहीं रही थी, स्टबर्न है दोनों के दोनों। क्या करें प्रिया, कुछ मैं ये कह रहा था कि प्रिया कितना अच्छा खाना बनाती है ना। मैं भी अच्छा बना लेती हूँ। नहीं एक्चुअली हम पैटी तो परांठे खा लेगा, तो मैं सोच रही थी तुम क्या खाओगी। हाँ। अरे अलग अलग खाना थोड़ी बनेगा, परांठे बन रहे हैं तो सब लोग परांठे ही खा लेंगे। मैंने वैसे भी बहुत दिन से आलू के पराठे नहीं बस हो गया डिसाइड। तो मैंने चॉकलेट केक भी बना के रखा है। अरे वाह, पीयूस फेवरेट नो, खुश हो जाएगी वो। हेलो पापा, पापा हम लोग नानी और नाना से मिलने को भी जाएंगे और खुश से और बुआ से जाएंगे। बेटा बहुत जल्दी जाएंगे पापा, पर कभी अभी तो हम लोग मुंबई भी आ गए हैं, पर कभी पापा। रॉकस्टार देखो अभी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना जरूर मिलेंगे। लेकिन मुझे सबसे मिलना है पापा, चलिए ना। पीहू ऐसे जिद नहीं करते, पापा कुछ समझा रहे हैं ना। तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं संभाल लूं। हे बिजी हो? फ्री लग रही हूँ। कौन एक कॉफी के लिए तो जा ही सकते हैं ना, जस्ट फॉर अ लिटिल व्हाइल। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है यार, आई एम अ वर्किंग गर्ल नाउ, प्लीज। तो अब मुझे तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ओके मत लो, अकेले जाके कॉफी पी लो। कम ऑन यार कैडी, थोड़ी देर की बात है। राहुल मुझे बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी यार, आई एम वर्किंग। कम ऑन यार, थोड़ी सी देर के लिए चलो, फिर आ जाना वापस। राहुल नहीं, आई विल गेट इनटू ट्रबल। एक्सक्यूज मी, या कुछ डिजाइनर सूट्स में दिखाएंगे क्या? जी एक सेकंड। या बाहर जाना है? हाँ कॉफी के लिए, जस्ट थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाएंगे वापस। या सी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लैक, यू नो द सिमेट्री एंड एवरीथिंग विल मेक यू लुक वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। नखरे दिखा रही है? जब से नई जॉब ली है ना कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। तो इम्प्रेस हो यार, कम ऑन। कितना इम्प्रेस करूं, और वैसे भी ये टशन मारना मुझे नहीं आता। कम ऑन राहुल प्लीज, अब हर लड़की को थोड़ा बहुत हीरोगिरी अच्छा लगता है। क्या करूं? ओके काम करो, तुम कैडी को जाकर बोलो कि मैंने कहा है अगर तुम उस कस्टमर को एक ड्रेस बेच सकते हो तो मैं उसे तुम्हारे साथ कॉफी पीने भेज सकती हूँ। चैलेंज, इट्स अ डेयर, कम ऑन, रोमांस तुम दोनों करो और मेरा फायदा ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। कूल, आई लव डेयर। ओके ऑल द बेस्ट। हाँ दैट वाज गुड। मैम 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 जस्ट वेट, ये वाली ड्रेस? नो मैम, आपको ये ड्रेस नहीं खरीदनी चाहिए, यू नो आप पे सूट नहीं करेगी। मैम What I mean is, it's a beautiful dress, लेकिन आप पे सूट नहीं करेगी, you know, आप बहुत यंग हो।
ये ड्रेस तो किसी ओल्ड वुमन यू नो जिसकी शादी हो गई है, जिसके बच्चे हैं, उसको सूट करेगी, तो यू शुडंट बाय दिस, ओके? व्हाट? आई एम मैरिड, लिसन, मेरे दो बच्चे हैं। व्हाट? शादी हो गई आपकी, दो बच्चे भी हैं? या आप मजाक कर रही हैं? आई एम सीरियस। लेट मी गेस, चाइल्ड मैरिज हुई थी आपकी? व्हाट? नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी एज तो नहीं बताऊंगी। आई एम नॉट दैट यंग। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मुझे तो लगा कि आप मेरी एज की हो, इसलिए आपको कॉफी डेट पे पूछने आया था। थैंक यू फॉर सेविंग मी, वरना आपके हस्बैंड ना मुझे मार ही देते। मैम, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, एंड जस्ट अ सेकंड, यू नो व्हाट, आपको ये ड्रेस खरीदनी चाहिए, बहुत स्टनिंग लगोगी आप इसमें। ओके, आई विल टेक दिस। शबाना, प्लीज पैक दिस। डे कंप्लीट, आपकी ड्रेस बिक गई, मिशन कंप्लीट। अब मैं कॉफी के लिए जा सकता हूँ? श्योर। इतने दिनों बाद, बड़ा अच्छा सरप्राइज है। अरे हम इससे भी ज्यादा बड़ा सरप्राइज लेकर आए हैं। हाँ। कोई खुशखबरी है क्या? अब और कितने बच्चे हैं? छत्ता जी कैसी बातें कर रही हैं? अभी इस उम्र में भाई, अब दोबारा नहीं, नहीं दोबारा नहीं, तिबारा शादी करने वाले हो क्या? छत्ता जी कितनी बार शादी कराएंगे हमारी आप? रुके रुके, नो नीड फॉर एनी कंफ्यूजन, हम बताते हैं। 1, 2, 3 सरप्राइज। अरे वाह, नानी, पीहू, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों में। प्रिया, माँ, दादी, आप लोग क्या क्या कर रहे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.